चना दाल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चना दाल, 1/4 कप मूंग दाल। अब आप यहाँ गैस पर चढ़ाइए कुकर और कुकर में हम अपनी तैयार दाल सारी डाल देंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 3.5 कप पानी, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची, साथ में यहाँ हम डालेंगे 2 लौंग, 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच देसी घी। अब यहाँ हाई फ्लेम पर कुकर पर लगाएंगे लिड और लिड लगाकर इसमें हम लेंगे 1 से 2 सीटी। गैस पर चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई या पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग चॉप्ड प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में जाएगा 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक, लहसुन, हल्दी और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा टमाटर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ जीरा पाउडर। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच पानी, मसाले जलेंगे नहीं। फटाफट से गरम दाल हम डालेंगे अपनी कढ़ाई में, ये लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गरम पानी, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, साथ ही फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये गई स्प्लिटेड हरी मिर्च। और तुरंत से ये तड़का लगाएंगे अपनी दाल में, फटाफट से करेंगे मिक्स और तुरंत से लगाइए इस पर 1 मिनट के लिए ढक्कन। वाओ, और ये देखिए हमारी खुशबूदार ढाबा स्टाइल चना मसाला दाल तड़का है बिल्कुल तैयार।